अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। चार्ज डिस्क की वजह से जो है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन ऑफ चार्ज आर रिंग ऑफ चार्ज इन प्रीवियस लेक्चर। सो नाउ हेयर वी आर कंसिडरिंग a disk of radius r and disk hai jiska radius jo hai wo kitna hai r hai aur iske central axis par jo hai humne ek point p consider kiya hai jahan par humne electric field jo hai wo find karni hai is disk ki wajah se। disk ke upar jo charge hai wo uniformly kya hai distribute kiya gaya hai, yani har jagah par jo charge per unit area hai wo kya hai same hai। ab डिस्क के ऊपर हमने एक रिंग कंसिडर की है, ये रिंग जिसका रेडियस कितना है आर। अब उस रिंग के ऊपर ये जो शेडिंग नज़र आ रही है ये क्या चीज़ है, रिंग ऑफ चार्ज। अब रिंग के ऊपर हमने एक एलिमेंट एरिया लिया है, स्मॉल एलिमेंट जिसके जो डिस्टेंस है जिसकी विर्थ है वो कितनी है डी आर। अब हम एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, उसको फिर हम सम अप करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, टोटल रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो लेट अस कंसीडर ए प्लास्टिक डिस्क विद रेडियस आर एंड ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑन टॉप सरफेस। यानी इस रिंग की डिस्क है, प्लास्टिक डिस्क है और इस डिस्क के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं। तो पहले जो है हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी वो इक्वल थी चार्ज पर यूनिट लेंथ डी क्यू ओवर डी एस। यहाँ पर जो है हम क्या लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसको हम सिग्मा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी थी चार्ज पर यूनिट लेंथ और ये जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसके यूनिट अगर हम देखें तो कूलम्ब पर मीटर आते हैं और इसके यूनिट कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसके यूनिट क्या आएंगे, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। तो ये थ्री टर्म्स जो हम यूज़ करेंगे ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, नाउ वी कंसिडर एन आर्बिटेरी पॉइंट पी ऑन द सेंट्रल एक्सिस एट ए डिस्टेंस जेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। यानी सेंटर ऑफ द डिस्क से जो है जेड एक्सिस पर, सेंट्रल एक्सिस पर हम पॉइंट पी कंसिडर करते हैं और पॉइंट पी और सेंट्रल एक्सेस सेंट्रल पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है जेड है। वी हैव टू कंसिडर अ रिंग ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क एट एन आर्बिटेरी रेडियस आर इज़ लेस देन आर। यानी डिस्क है, डिस्क के ऊपर जो हमने क्या करी है, रिंग कंसिडर की है। ये जो शेडिंग पार्ट है ये सारा, ये क्या हमने रिंग जो है कंसिडर की है। अब रिंग का जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल आर है और जो डिस्क का रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर। तो हम लिखेंगे कि रेडियस ऑफ रिंग इज़ लेस देन द रेडियस ऑफ डिस्क। यानी ये सारी डिस्क है, डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है और ये हमने रिंग कंसिडर की है, रिंग का जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल आर। अब रिंग के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, यानी रिंग के ऊपर जो है अगर हम कहीं पर चार्ज फाइंड करेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया तो वो कितना होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज डी क्यू होगा हर जगह पे, यानी ये एलिमेंट एरिया डी आर हमने लिया है, यहाँ पर चार्ज कितना है डी क्यू। और रिंग के एक एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, डेल्टा आर डी आर, यानी स्मॉल एलिमेंट। अब इस तरह अगर इन तमाम को हम प्लस करेंगे डी आर को तो तमाम जो सर्कमफेरेंस है रिंग की वो किसकी इक्वल होगी, टू पाई आर के। तो इस रिंग का जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा, टू पाई आर मल्टीप्लाई बाय डी आर। यानी ये जो एक एलिमेंट की लेंथ है उसको हम टू पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा किस चीज़ का, रिंग का। तो एरिया की जगह हमने क्या लिख दिया, टू पाई आर इंटू डी आर। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ई एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एलिमेंट डी क्यू एंड रेडियस रिंग आर विल बी। यानी इस पॉइंट पर जो लाइन एलिमेंट है वो कितना है, डी आर है और यहाँ पर चार्ज कितना है, डी क्यू है और इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो कितना है, आर है।
अब इसकी वजह से जो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यानी रिंग की वजह से, अभी हम डिस्क पे नहीं जा रहे, पहले हम किसकी फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिंग की। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ रिंग एट पॉइंट पी ड्यू टू लाइन एलिमेंट डी आर एंड चार्ज डी क्यू विल बी डी ई इज इक्वल टू जेड डी क्यू और 4πε0 जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इंटू 3/2। ये हम ऑलरेडी जो है पहले फाइंड कर चुके हैं टॉपिक ऑफ रिंग में भी जो है, यानी जो हमने फाइंड किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज या लाइन ऑफ चार्ज, तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई थी। तो यानी इस रिंग की वजह से जो लाइन एलिमेंट डी आर है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है जेड है, तो इसकी वजह से जो इस स्मॉल चार्ज डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी पॉइंट पी पर वो कितनी होगी, वो ये होगी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए इसको दोबारा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे कि एज़ वी नो दैट कि रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इतनी होती है। अब हम इसको फर्दर कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, डिस्क में, कि डिस्क की जो है टोटल डिस्क की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करें तो वो कितनी आएगी। नाउ जो इक्वेशन टू है वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है वो चार्ज डी क्यू की वजह से आई है, किसके ऊपर, रिंग के ऊपर। अब हमने फाइंड करनी है पूरी डिस्क के ऊपर, तो डिस्क पे देखें जो हमारे पास टोटल रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ टू फाइंड दी टोटल फील्ड एट पॉइंट पी, यानी इस पॉइंट पी पर जो टोटल डिस्क पर चार्ज है, उस तमाम चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। वी विल इंटीग्रेट द इक्वेशन वन फ्रॉम रेडियस आर इज इक्वल टू ज़ीरो टू आर, यानी हम यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी यानी एलिमेंट्स जितने भी चार्ज आएंगे आर इज इक्वल टू ज़ीरो से लेके आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक, यानी पूरी डिस्क के ऊपर जो चार्ज है उस तमाम चार्ज को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की है सिर्फ स्मॉल चार्ज डी क्यू की वजह से, जो सरफेस पर यानी सिग्मा की वजह से था चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि हर चार्ज पर यूनिट एरिया हर जगह पर क्या है, सेम है, चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक चार्ज की हमने फाइंड कर लिया है, अब बाकी जितने भी टोटल चार्ज है इसमें उस तमाम चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी पॉइंट पी पर वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इस एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, आर इज इक्वल टू ज़ीरो से लेके कैपिटल आर तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके अंदर जितने भी चार्ज है वो सारा चार्ज आ जाएगा। सो नाउ टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू वी विल इंटीग्रेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज स्मॉल चार्ज डी क्यू, यानी स्मॉल चार्ज डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन में जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं वो क्या आएंगी, सारी बाहर आएंगी, तो बाकी जो वैल्यूज़ हमारे पास बचेंगी वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जेड इंटू जेड आवर 4πε0 जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, इसको हम जो है इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे, जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होल पावर 3/2, और यहाँ पर हमारे पास रह गया डी क्यू। तो डी क्यू के लिए जो हमने सिग्मा की वैल्यू फाइंड की थी, सिग्मा इज इक्वल टू इक्वेशन वन में था डी क्यू ओवर 2πr इंटू डी आर, तो डी क्यू की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो डी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू 2πr इंटू डी आर। तो डी क्यू की जगह जो है वो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा, सिग्मा कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2πr इंटू डी आर, ये इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की लिमिट हमने कहाँ लेनी है, कहाँ से, ज़ीरो से लेके कैपिटल आर तक। तो ये हमने क्या कर दिया, जो एक स्मॉल चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया पूरी डिस्क के ऊपर। अब अगर यहाँ पर देखें तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जेड सिग्मा और टू
epsilon naught into integration 0 to r, ये हमारे पास z square plus r square power 3 by 2, नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे z square plus r square होल पावर 3 by 2 इंटू हमारे पास रह जाएगा 2r, अच्छा सॉरी इस 2 को कैंसिल नहीं करना, अभी हमने इसको ऐसे ही रहने देना है, 4 पाई पाई से कट जाएगा 2 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 2r इंटू dr। अब इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जो वेरिएबल है, अगर वेरिएबल का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो उसकी हम सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं कि उसकी पावर में 1 प्लस हो जाता है और नीचे भी उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है, हमने इंटीग्रेट करना है किस चीज़ को, एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स इंटू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव आता है 2x, तो इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी क्या है, मौजूद है, तो अगर जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो और उसको हम इंटीग्रेट करें तो उसको हम सिंपली क्या करते हैं, उसकी पावर में 1, यानी ये हो जाएगा 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1, तो ये जो है इसकी क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी, प्लस कांस्टेंट सी लगाएंगे हम। तो इस तरह जो है, यानी सिंपली हम उसको क्या करते हैं, पावर्स में 1 प्लस कर देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर r square का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, 2r, तो इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद है, तो जब डेरिवेटिव मौजूद है तो सिंपली जो है इसकी पावर में क्या हो जाएगा, ये सॉरी प्लस था नीचे, ऊपर जाके माइनस हो गई, नीचे जाके पावर 3/2 थी, प्लस ऊपर जाके -3/2। तो सिंपली हम कैसे इसके इंटीग्रेशन लेंगे कि इसकी पावर में क्या हो जाएगा, 1, ऊपर भी प्लस कर देंगे और नीचे भी पावर प्लस 1 कर देंगे, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी। सो e इज़ इक्वल टू आ जाएगा जेड इंटू सिग्मा ओवर 4 epsilon naught, इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी z square plus r square -3/2+1, तो ये आ जाएगा -1/2, नीचे भी जो है पावर क्या होगी, प्लस होगी, यानी -3/2+1, तो यहाँ भी आ जाएगा -1/2, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, और इसकी लिमिट हमने कहाँ से लगानी है, 0 से लेके r तक। तो अब अगर हम इसमें लिमिट पुट करें तो e इज इक्वल टू आ जाएगा z सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट, अपर लिमिट यानी ये माइनस है तो माइनस को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 4 से क्या हो जाएगा, अब कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास रह जाएगा 2। यहाँ पर ये ऊपर पावर माइनस है, नीचे जाके पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर स्क्वायर रूट, और लिमिट जो है वो हमने कहाँ से पुट करनी है, 0 से r तक। तो इसको अगर हम फर्दर आगे स्टेप करें तो ये आ जाएगा माइनस जेड इंटू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी लिमिट अगर हम पुट करें तो लिमिट हमारे पास आ जाएगा, यानी स्मॉल r की लिमिट क्या है, 0 से r तक, तो अपर लिमिट हम पुट करेंगे तो 1 ओवर आ जाएगा z स्क्वायर प्लस स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल r स्क्वायर, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जो है वो क्या है, 0 है, यानी r स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 0, तो z स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है हमारे पास सिर्फ z रह जाएगा, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज। तो डिस्क ऑफ चार्ज की वजह से इसको अगर हम मज़ीद थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, तो इसको मज़ीद सिंपलीफाई करने से ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी इज़ इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे माइनस माइनस प्लस, और ये जेड जेड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 1, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और जेड ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा जेड ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट। सो दिस इज़
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज, यानी डिस्क ऑफ चार्ज है हमारे पास, उस डिस्क ऑफ चार्ज की वजह से, कोई भी डिस्क ऑफ चार्ज है उसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे जब भी हम फाइंड करेंगे तो वो हमेशा इक्वल होगी सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस जेड ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो दिस इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। तो चार्ज डिस्क की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमेशा इतनी होगी। अब अगर हम सपोज़ करें, सपोजिशन लें कि इफ़ आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी डिस्क जो है हमारे पास वो बहुत बड़ी डिस्क है, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस डिस्क का जो रेडियस है वो कितना है, इन्फिनिटी है, बहुत बड़ी इन्फिनिट डिस्क है। तो अगर इन्फिनिट डिस्क है और उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी आएगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट, ये देखें आर स्केयर की जगह जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जेड स्केयर प्लस इन्फिनिटी, तो समथिंग एडेड विद इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से इन्फिनिटी आएगा तो जेड ओवर इन्फिनिटी से क्या आ जाएगा, ज़ीरो। समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी ऑलवेज गिवस ज़ीरो, तो यहाँ से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जब ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो हमारे पास वन बच जाएगा, तो वन से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इन्फिनिट डिस्क। अगर इन्फिनिट डिस्क है हमारे पास, यानी बहुत बड़ी डिस्क है, उसका रेडियस जो है वो कितना है, इन्फिनिटी है, बहुत बड़ी डिस्क है, लार्ज डिस्क है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा इक्वल आती है ई इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट, या जो है इसको हम ये भी कहते हैं जो हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस में फाइंड कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। तो इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है या इन्फिनिट शीट ऑफ डिस्क है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट आती है। ये जस्ट मैग्नीट्यूड है, अगर हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर हम साथ में क्या लगा देंगे, यूनिट वेक्टर आर लगा देंगे। क्यों? बिकॉज जो कोई भी वेक्टर है वो हमेशा इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड था सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज का, और अगर उसको हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो इफ यू विल राइट द कम्प्लीट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देन वी मस्ट पुट द वैल्यू ऑफ यूनिट वैक्टर आर। सो ये जो है हमने क्या फाइंड करनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्क की वजह से हमने फाइंड करनी थी। नाउ हम कुछ न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करते हैं। नाउ हियर वी विल डिस्कस द न्यूमेरिक प्रॉब्लम नंबर थ्री। प्रॉब्लम नंबर थ्री में जो है हमें गिवन डेटा है, उसने कहा है कि एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 94 है, यानी 94 प्रोटॉन है उसमें, और रेडियस जो है उसका 6.64 फेमटोमीटर है। सो उसकी वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता है फार्मूला होता है E इज़ इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो हेयर क्यू चार्ज जो है वो इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 94 हैं और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब ये होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा और ये हमें रेडियस दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है क्यू ओवर आर स्क्वायर, के क्यू, और के की वैल्यू 1/4 πε₀ और क्यू की जगह जेड ई आ गया और आर स्क्वायर ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो 94 के की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है 9 × 10⁹ कूलम कॉन्स्टेंट, और चार्ज की वैल्यू है 94 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम और रेडियस आर स्क्वायर, तो रेडियस की जगह आ जाएगा 6.64
10^-15 मीटर का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो है इससे हमारे पास आंसर आ गया 3.01 10^21 न्यूटन पर कूलम। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट न्यूक्लियस, यानी इस न्यूक्लियस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू जो है वो ये आएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 66। इसमें कहा गया है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दे आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस डी, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। अब इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इस पॉइंट पी पर, वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब पॉइंट पी पर अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की ये डायरेक्शन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। अब अगर इन दोनों के, यानी प्रोटॉन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनको अगर हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो दो कंपोनेंट्स होंगे। तो ये जो कंपोनेंट होगा ई पी साइन थीटा एंड ये जो इसका कंपोनेंट होगा ई ई साइन थीटा। सो दोनों के जो वाई कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। सो दोनों के वाई कंपोनेंट की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। सो जो दोनों का एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्रोटॉन एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो दोनों क्या होंगे, एडअप होंगे। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वही उसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये थ्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 10^-19, और कूलम कॉन्स्टेंट के, कूलम कॉन्स्टेंट के की वैल्यू होती है 9 10^9, और डिस्टेंस डी का स्केयर, तो डिस्टेंस जो है वो हमें दिया गया है 0.02 का स्केयर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देन वी विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू 1. इसका हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है एक्स डायरेक्शन में, तो जो डी क्यू है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स डायरेक्शन में, कि एक्स डायरेक्शन में जो है इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसका हम एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वजह से आ जाएगी। अच्छा सॉरी, ये 66, तो इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी, दैट विल बी इक्वल टू 2 की वैल्यू हमें गिवन है 2 10^-6 मीटर। एंड अब यहाँ पर जो है डी की वैल्यू गिवन है 2 10^-6 मीटर, और थीटा जो है एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री, यानी दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो दोनों के जो वाई कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, ज़ीरो, यानी ई पी साइन थीटा इज इक्वल टू ई साइन थीटा, इन दोनों की वजह से, यानी दोनों के जो वाई कंपोनेंट हैं दे आर इन सेम अपोजिट डायरेक्शन, तो इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर किसकी वजह से आएगी, एक्स कंपोनेंट की वजह से। तो प्रोटॉन का एक्स कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन का एक्स कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के जो एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी 2E cos थीटा, क्योंकि प्रोटॉन का एक्स कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन का एक्स कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो
ई कॉस थीटा जो है दोनों प्लस होंगे तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, टू ई कॉस थीटा। तो इसकी अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होती है चार्ज, चार्ज यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्यू ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा टू, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर, डी की वैल्यू गिवन है हमें डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻¹⁶ का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास वैल्यू आएगी 3.6 × 10⁻²⁰ न्यूटन पर कूलम। सो ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के कम्बिनेशन की वजह।